फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और यूट्रिन ब्लड का क्या मीनिंग होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑल द थ्री वर्ड्स आर डिफाइंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द वर्ड फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लोज सी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। टू पर्संस आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन बोथ आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस, यानी कि दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त संबंधी जब कहे जाएंगे, जबकि दोनों की एक ही माता पिता के बच्चे हों, उनकी एक ही माता पिता की औलाद हो। एंड टू पर्संस आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स, और वह अर्धरक्त संबंधी एक दूसरे से जब कहे जाएंगे दो व्यक्ति, जब वो एक ही पिता की और उसकी भिन्न पत्नियों के बच्चे हों, तब वो अर्धरक्ती संबंधी कहे जाएंगे। द वर्ड यूट्रिन ब्लड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज डी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 3 क्लोज डी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो एक उधर रक्त हिंदू विधि अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 क्लोज डी में डिफाइन है, विच मीन्स टू पर्संस आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड व्हेन बोथ द पर्संस आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट एंसेस्टर्स एंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस, यानी कि दो व्यक्ति एक दूसरे से हाफ यूट्रिन ब्लड जब कहे जाएंगे, जब उनके एंसेस्ट्रेस तो एक हो, यानी कि उन दोनों की माता एक हो पर उनके जो पिता हैं वह भिन्न हो, तब वह यूट्रिन ब्लड रिलेटिव्स कहे जाएंगे, यानी कि एक उधर रक्त संबंधी कहे जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इन क्लोजेज सी एंड डी, द एंसेस्टर इंक्लूड्स द फादर एंड द एंसेस्ट्रेस इंक्लूड्स द मदर। स्पष्टीकरण में यह बात करता है कि जो एंसेस्टर में पिता को इंक्लूड शामिल किया गया है, जबकि एंसेस्ट्रेस का अर्थ होगा, यानी उसका मतलब होगा, उसमें शामिल किया जाएगा माता को। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।